विदर्भ का नंदनवन माने जाने वाले चिखलदरा में विगत दो दिनों से असमय होने वाली बारिश के कारण कोहरा छाया है। इस पूरे चिखलदरा में प्राकृतिक वातावरण देखने लायक है। यहाँ पर पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ चुकी है। दीपावली के बाद में चिखलदरा आने का जो समय है वह छुट्टियों का समय रहता है, और ऐसे समय में पर्यटक दूर दूर से भारतवर्ष से चिखलदरा पहुंच रहे हैं। चिखलदरा में इन दिनों पहाड़ों पर कोहरा छाया है, यही नहीं तो यहाँ पर घुड़सवारी, गाड़ी राइडिंग, साथ ही कई सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है, और यह सुविधाएं यहाँ पर चिखलदरा वासी जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर चिखलदरा के अंदर जो होटल व्यवसायी है, यह भी होटल व्यवसायी सभी का स्वागत कर रहे हैं, सबके स्वागत के लिए यहाँ पर तैनात है। 24 घंटे चिखलदरा में भोजन की व्यवस्था है, आवास निवास की व्यवस्था है। पर्यटकों से यह कुल्लू मनाली जैसा वातावरण एक बार देखने के लिए जरूर आए। चिखलदरा में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन जो प्राकृतिक मौसम रहता है वह देखने लायक है। चिखलदरा में शाम होते ही कोहरा छा जाता है और वाहन जो है वो लाइट दिखते नहीं है, तो वह भी जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं वे सावधानी से यहाँ पर पहुँचे और इस प्राकृतिक मौसम का आनंद ले। घाट की वादियों के अंदर इन दिनों सैलानी प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार यहाँ पर फॉग छाया है और यह मौसम जो है यह देखने के लिए दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से चिखलदरा के अंदर लोग आते हैं, और चिखलदरा के अंदर आने वाले पर्यटक क्या कहेंगे हम उनसे जानेंगे। नमस्कार, मी आकांक्षा चौधरी आणि हे माझे मिस्टर मयूर चौधरी। आम्ही चिखलदऱ्यावरनं आलोय आज ह्या निसर्गाचा आनंद घ्यायला, आणि नक्कीच मिनी काश्मीर म्हणू शकतो आपण आपल्या अमरावतीच्या नंदनवनाला, विदर्भाच्या नंदनवनाला। खरंच खूप छान वातावरण आहे, थंडी फार छान आहे, अवकाळी मौसम तयार झालाय, पण मजा येत आहे। चौधरी साहेब, तुम्ही काय म्हणता? मी इतकं सुंदर वातावरण पाहून एकच गाणं म्हणू इच्छितो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है बड़ा मौसम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आणि ते सुद्धा इथे चिखलदऱ्याचं हा वातावरण बघण्यासाठी आलेले, आणि हा वातावरण निसर्गरम्य वातावरण आहे, त्यांची काय प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। नमस्कार, मी त्रिशूल कावरे, मी दर्यापूरहून चिखलदऱ्यासाठी आलेलो आहे। हे चिखलदरा म्हणजे सातपुड्याच्या पर्वतात वसलेलं एक आपण हिल स्टेशन म्हणू। हे विदर्भाचं नंदनवन आज खरोखर तुम्हाला पाहायला मिळतं। इथं जे धुकं पसरलेलं आहे, जे धुक्याची चादर इथं निसर्गाने पांघरलेली आहे, त्या पाहण्यासाठी तुम्ही अवश्य चिखलदऱ्याला भेट द्या। आणि अतिशय सुंदर पाऊस, रिमझिम पाऊस आणि थंडी, जे आपण गुलाबी थंडी म्हणतो, आणि जे काश्मीर खरोखरच आज तुम्हाला काश्मीर बघण्यासारखं तुम्हाला इथे आनंद मिळेल, त्यामुळे तुम्ही चिखलदऱ्याला नक्की भेट द्या। खूप सुंदर वातावरण तयार झालं, थँक्यू। क्या कहेंगे चिखलदरा के अंदर जो वातावरण बना है और पर्यटक यहाँ पर आना चाहिए ये वातावरण देखने के लिए, क्या कहेंगे आप? मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, सवाल सिर्फ ये है कि सैलानियों को जो सुविधा होनी चाहिए वो उचित रूप से उपलब्ध नहीं है। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो इस विषय में अगर कुछ प्रयास करते हैं तो निस्संदेह सैलानियों का सैलाब आएगा। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हर बार चिखलदरा की समस्याओं के लिए अवगत कराते रहते हैं प्रशासन के लिए, प्रशासन के खिलाफ में लिखते रहते हैं कि वो यहाँ पर सुविधाएं दे। आपको लगता है कि स्काई वॉक जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक यहाँ अभी कछुआ गति से काम चल रहा है, क्या कहेंगे? स्काई वॉक में जनरली यूँ समझ में आता है कि जैसे जनप्रतिनिधियों की काफ़ी उदासीनता है, अगर वो लोग उचित रूप से यदि इसमें काम करते हैं निस्संदेह, तो ये काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। सभी तरफ से यानी उनको NOC मिल चुकी है, लेकिन फिर भी काम जो है वो कछुआ गति से चल रहा है। इसमें संबंधित अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही प्रतीत होती है। पहले चिखलदरा का जो मार्ग था वो मार्ग को लेकर हर बार लोग रोष व्यक्त करते हैं, मार्ग भी इतना अच्छा हो चुका है। आपको क्या लगता है चिखलदरा में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आना चाहिए और उसका जो आनंद है ये निसर्ग का लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आपको लगता है?
निसर्ग के लिए नैसर्गिक जैसे सुंदरता बढ़ाने के लिए भी वन विभाग है, स्थानीय प्रशासन है, ये अगर प्रयास करें यानी पेड़ कहीं लगाएं, नैसर्गिक सुंदरता बढ़ाने का जो भी प्रयास करें सैलानियों के लिए और जो भी मूलभूत सुविधाएं वो यदि उपलब्ध हो जाती हैं तो निस्संदेह सैलानियों का आकर्षण यहीं के यहीं रहेगा और कहीं नहीं जाएंगे। व्यवस्था भी की गई है, किस प्रकार से जिप्सी के अंदर आप पर्यटकों को घुमाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाकर उनको यहाँ पर अच्छे अच्छे स्पॉट दिखाते हैं, जंगल की सैर कराते हैं, जंगल सवारी कराते हैं? हम लोग जो कस्टमर आते हैं घूमने उनको लोकल साइट सीन में जैसे कि चिकलदरा में 10 स्पॉट है देखने लाए, वो 10 स्पॉट दिखाते हैं हम। भीमकुंड है, देवी पॉइंट है, मोजरी पॉइंट है, गाविलगढ़ फोर्ट है, बॉटनिकल गार्डन है, पंचबोल इको पॉइंट है, हैरिकेन पॉइंट है, अभी स्काई वॉक का काम चल रहा है, अभी स्काई वॉक भी बन जाएगा, वो पिलर वगैरह भी दिखाते हैं हम लोग। उसके अलावा फिर अदरवाइज हम जंगल सफारी के पैकेजेस बनते हैं दो, एक वैराट सफारी करके हमारा मानसून सफारी वगैरह भी होती है उसमें, और बहुत अच्छा जंगल है बढ़िया। ये पर्यटकों को बफर जोन में जाने की अनुमति ले जा सकते हैं क्या आप, जहाँ जहाँ से आप घूमने ले जाते हैं? हाँ, थोड़ा जैसे कि हम सिमाडो जब जाते हैं तो सिमाडो जाते समय में हम एक 25 किलोमीटर का बफर एरिया पड़ता है मेमना से सिमाडो तक, फिर उसके बाद वहाँ से हम 38 से 40 किलोमीटर का ये घुमाते हैं कोर एरिया फॉर्मेलिटी वगैरह करके। क्या लगे कौन कौन से जानवर जो है देखे जाते हैं? हमको इंडियन गौर देखने को मिलता है, डियर देखने को मिलता है, सांबर डियर देखने को मिलता है, वाइल्ड डॉग देखने को मिलते हैं, वाइल्ड बोर देखने को मिलते हैं, उसके बाद एलिफेंट राइड होती है कोलकाता में, एलिफेंट राइड वगैरह करवाते हैं हम। टाइगर देखने को मिलता है? टाइगर भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी टाइगर कैसा है सर, थोड़ा रियर चल रहा है, लेकिन टाइगर साइडिंग हो रही है हमारे, थोड़ा रियर है अप एंड डाउन वाला हिल वाला एरिया होने की वजह से, पर हमारे यहाँ का जंगल बहुत अच्छा है। कस्टमर को जैसे मान लो एग्जांपल की तौर पे कुछ नज़र नहीं भी आया एनिमल्स में तो वो जंगल देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, वाकई में जंगल बहुत अच्छा है बोलते हैं कस्टमर। थैंक यू। चिकलदरा माना जाता है, चिकलदरा में विगत दो दिनों से कोहरा छाया है, यहाँ पर पहाड़ों का निसर्ग रम्य वातावरण देखने के लिए हजारों पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। चिकलदरा का यह मौसम देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आए और पर्यटकों को ये मौसम कुल्लू मनाली से कम नहीं लगेगा। यहाँ के चिकलदरा वासी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है, यहाँ पर होटल में रुकने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि खान पान की भी पूरी व्यवस्था है। 24 घंटे यहाँ पर चिकलदरा के अंदर पर्यटकों को व्यवस्था मिल रही है। आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जो स्काई वॉक है वो चिकलदरा में बनने जा रहा है और चिकलदरा के अंदर इसका काम प्रगति पथ पर है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं की मांग भी प्रशासन से की जा रही है। चिकलदरा अमरावती जिले के अंदर आता है, अमरावती के जिलाधिकारी द्वारा और यहाँ के संबंधित सिडकों के अधिकारी द्वारा, साथ ही वन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त बैठक लेकर किस प्रकार से चिकलदरा में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। चिकलदरा में इन दिनों फॉग छाया है और यह कोहरा देखकर प्राकृतिक वातावरण को देखकर आपका भी मन जो है गदगद हो जाएगा। एक बार चिकलदरा आप जरूर आइए और चिकलदरा में पूरे परिवार के साथ में आनंद लीजिए। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़ चिकलदरा।